गेट टुट गया पर धन बाजां वाले पातशाह दे सरलत योधे उन्हां ने नारखां हुणां नूं उन्हां दे साथियां नूं अते इस्लामी फौजां नूं किले विच दाखल नहीं होण दिता, गढ़ी च दाखल नहीं होण दिता। दुश्मना ने बड़ा जोर लाया, आखिर दुश्मना दे नाल लड़दे लड़दे बहुत ज्यादा सिंह शहीद हो गए ते गिणती दे सिंह रह गए। जिस तरह अज मौजूदा समय विच अमृतसर हरिमंदर साहब एक्शन होया फौज का, सियाने दूर हंदेश इंसान सोच लेंदे है कौम नू सेध देने वाला सूझवान नेता थोना बड़ा औखा हुंदा। जिस तरह अफवाह चल दी है या असी अफवाह सुनदे भारत तो आए सां, सचमुच किसी ने सच नहीं मनिया कि महापुरश बाबा संत जरनैल सिंह जी शहीद हो गए। लोगों के मन च यह सी भी भवें शहीद हो गए, कहना नहीं भी शहीद हो गए। सो इस करके स्रोते सजना मैं जिहड़ी बेनती कर रहा शहनशाह कलगीधर पातशाह नूं, सिख संगतां ने बेनती की कि सच्चे पातशाह हुण अपना इत्थे अमर रहना नामुमकिन है, दुश्मना दे दल दा बड़ा जोर है। इस करके थोड़ी इस समय दे हिसाब नाल देश नू कौम नू बहुत वड्डी लोड़ है। सो सच्चे पातशाह असी तां इत्थे मोर्चे रोकदे हां ते तुसी कृपा करो इत्थे चले जाओ। बाजां वाले पातशाह ने भी सिख संगतां नू बहुत कहा, पर प्यारो इतिहास ये गल दसदा है जद पंजां प्यारियां चों सिंघां ने कहा बाबा संत सिंह हुणा जी ने कि सच्चे पातशाह पंथ तुहानूं हुक्म दिंदा अगे तां बेनती करदा सी, इस करके कौम नूं तुहाडी बड़ी लोड़ है, साडा शहीद हो जाणा कोई माने नहीं रखदा, जे तुसीं शहीद हो गए ते फिर कोई दुश्मन दे नाल टकराउण वाली फौज नहीं खड़ी कर सकेगा, दुश्मन नाल टकरा नहीं सकेगा। इस करके तुसीं बहुत वड्डियां हाले प्लाना बनाउणियां, बहुत वड्डियां लड़ाइयां लड़नियां। सो गुरु दी साहब जी ने वाजी साहब संगत जी चौजी पातशाह सरबंस दानी बापू इन्हां सिख संगतां दा हुक्म बचन मन के उत्थों रूह पोछ होए, चमकौर दी गढ़ी चों निकले, जो रस्ते विच उहनां नूं मुश्किलां पेश आईयां उह तुसीं रोज़ सरवण करदे हो। माछीवाड़े दे जंगलां दा वो अजीब दृश्य, वह बड़ा भयानक दृश्य, वह बड़ा दुखदाई समा बाजां वाले पातशाह दे जो दिल ते उस समय वरत दियां सन उही जान सकते हैं, असी उसनूं महसूस नहीं कर सकते। जे कोई कर सकता तां बहुत बरीक बुद्धि वाला जीव कि सच्चे पातशाह दे दिल दे उत्ते कितने उतरा चढ़ा आ रहे होणगे। स्रोते सजनो उस तों बाद शहनशाहां दा उच दे पीर बन के दुश्मनां दे घेरे चों निकलना ये संसार दे इतिहास विच हैरानी भरियां घटनावां हन। शहनशाह बहुत मुसीबतां दा टाकरा करदे होए प्यारो जो फरीदकोट जिले विच जो पहला कितें फिरोजपुर दा जिला से दीना कांगड़ तख्त साहब इत्थे आके उन्हां ने जख्मी शरीर विच पुजे, इत्थे आके लखमीर ते शमीर उन्हां दे पास उन्हां दे जो परिवार सी उन्हां दे पास आके सुख दा साह लिया। आओ तो वजो ना तकना बाबा संघ महापुरश संघ सिंह नूं शहीद करके शाही फौजां दे हौसले बुलंद हो गए कि असी गुरु गोबिंद सिंह जी नूं शहीद करता, अते इस्लामी या शाही फौजां वास्ते वह बहुत वड्डी खुशखबरी की खबर सी। स्रोते सजनों माता सुंदरी जी माता साहब देवां दिल्ली बैठी हैं जिथों हुक्मनामा जारी हुंदा है, पर यह सिख जगत वास्ते बहुत दुखदाई खबर सी। भावें सच झूठा अज की खबर वांगू यह तो किसे समय ही जाके सिटा निकलना सी ना। स्रोते गुरु दी साजी निवाजी साध संगत जी बाजां वाले पातशाह लखमीर ते शमीर चौधरी जोध शाह दे पोतरियां पास कुछ अरसा सुख दा बतीत करदे रहे, उन्होंने बहुत तनो मनो ला के खिदमत की। कोई समा ऐसा आ गया बाजां वाले पातशाह भाई लखमीर ते शमीर ते मेहरबान हो गए, खुशी आ गई, कहन लगे पुत्र तुसी साडी बड़ी खिदमत की है, पुत्रां तो वध सेवा की है,
इस करके कल नूं तुसीं घोड़ियां शिंगार के साढ़े दरबार च आउणा, असीं तुहानूं आशीर्वाद देवां दे के तोरांगे, जिथों तक तुसीं चक्कर ला लोंगे तो थोड़ी रियासत हो जाएगी, थोड़ा राज पाग हो जाएगा, तुसीं शहनशाह होवोगे। श्रोते सजनों, इन्हां दा वालद इन्हां दा बाप तां छोटियां छोटियां बच्चियां नूं छड्ड के सुरगपुरी सुधार गए सन। जैतो तो इन्हां दा मामा लखो इन्हां दी पालन पलोसन वास्ते अपने भणेवियां दे पास रहिंदा सी, जो वह मीएं दा पुजारी सी। गुरु खालसा जी जदों दे बाजां वाले पातशाह लखवीर ते शमीर दे पास पहुँचे सन, वह उदों तो ही साड़ा करदा सी कि मेरे भाणजे तां न्याणे हैं। इस साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी समय की सरकार दे बागी हन, सरकार उन्होंने लभदी फिरदी है। जे सरकार नूं पता लग गया तां साडे घर दी तबाही हो जाएगी। मेरे भाणजे तां इयाणे हैं, इन्हां नूं हाले इन्नी मत नहीं कि सरकार दे दुश्मनां नूं सामना मौत सहेड़न वाली गल हुंदी है। श्रोते सजणों, तड़के घोड़ियां ते काठियां पा रहे हन उन्हां दे नौकर उन्हां दे सांझी, ते इन्ने चिर नूं मामा लखू बाहरों मैदान जाके आ गया। वह हर वेले इस गल की तार च रहिंदा सी, वह समझ गया अज कोई नवा पंगा पै गया, बाजां वाले पातशाह मेरे भाणजिआं नूं अपने नाल लिजाणगे। उन्हें नौकरां नूं पुछिआ, बई तुसीं घोड़ियां क्यों पीड़ी जाने हो, ये कित्थे भेजणी है? उन्हां नौकरां ने दस्सिआ कि की दस्सीए लखू साहब, थोड़े भाणजिआं दी सेवा देख के सरबंस दानी बापू कलगीधर पातशाह बहुत मेहरबान होए है। उन्होंने वचन किया है कि जिथों तक थोड़े भाणजे घोड़ियां ते चढ़ के सूरज चढ़ तो छिपदे तक चक्कर लाउणगे ते उत्थे थोड़ा राज पाग हो जाएगा, लखमीर ते शमीर थोड़े भणेवें राजे होणगे। बुल टुके कहण लगा किड्डा कुफर है, किड्डा धोखा है, किड्डी ठगी है। बाजां वाले पातशाह अपने साहबजादियां नूं शहीद कराए, सिख खेरू खेरू होके शहीद हो गए, महिलां दा पता नहीं कित्थे है कित्थे नहीं हन। अपना आनंदपुर दा किला कुहा आए ते मेरे भाणजिआं नूं बादशाहियां बख्शण लगे, मैनूं समझ नहीं आउंदी उहो जे मेरे भाणजे कमले है। प्यारो भरिया पीता अपने भाणजिआं दे पास चलिया गया, बाजां वाले पातशाह अपने डेरे बैठे अपने अस्थान ते बैठे है। उहनां नूं जाके मंदा चंगा कहा, प्यारो कहिंदे ने भाणजिआं दा दिल टुट गया, ना मामे दी चेप चकण चक सकण अते ना बाजां वाले पातशाह दा वचन टाल सकण। खैर घोड़ियां ते सवार हो गए ते बाली दूर ना गए, मील दो दो मील चक्कर ला के वापस आ गए। बाजां वाले पातशाह तां जाने जान से, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछंत। गुरु रूप साध संगत जी, ये भी कईआं जन्मां दी तपस्या कट्ठी होई हुंदी है तो फिर जाके संसार अंदर शोहरत हुंदी है जां कोई उच्ची पदवी हासिल करदा है, वरना एक जन्म की गल नहीं। इन्हां लखमीर ते शमीर की एड्डी वड्डी तपस्या ही नहीं सी पिछले जन्मां दी, कोई राजे बन सकदे ते नीवी पाई है। लस्सियां वेले ही बाजां वाले पातशाह दे दरबार च आ गए, चौजी पातशाह हस पे, कहण लगे पुत्तर लखमीर, असीं तां तुहानूं वचन कीता सी दिन छिपे मुड़ना है, तुसीं पहलां ही मुड़े आए, सारी कहानी दसी गल मकाईए। ते चौजी पातशाह कहण लगे पुत्तर थोड़े वस दी गल नहीं, थोड़ा तप नहीं सी इन्ना, थोड़ा धर्म नहीं सी इन्ना, थोड़ी तपस्या नहीं सी, इस करके थोड़े भागा च राज भाग तां नहीं सी, पर फिर भी तुसीं सरदार होवोंगे, अपनी मार के आप खाओगे। फिर गुरु की संगत जो हुई सी, लखमीर कहण लगा शहनशाह सानूं राज भाग की लोड़ नहीं, सरदारियां की लोड़ नहीं, जो संसार का आवागमन है ये साडा मिटा दिओ, सच्चे पातशाह सानू अपने चरणा नाल जोड़ लो। इतिहास इस गल की गवाही दिंदा है, लखमीर ते शमीर नूं बाजां वाले पातशाह ने मुक्ति का दर्जा दिता। श्रोते सजनों, दिन पा के सूबा सरहंद नूं बाजां वाले पातशाह दे सूह मिली, उन्हें हुक्मनामा भेजता बई सरकार का बागी तुसी लुकोई बैठे हो, जे भली चाहुंदे आ तां बाजां वाले पातशाह नूं सरहंद सूबे दे दरबार च बंदी बना के छड जाओ। आई चिट्ठी मिली मामे लखू नूं ते अपने भाणजिआं नूं सद के लगा ताड़न, क्यों चढ़ाता चंद है, तुसी तां दुखी होना ही होना सी, सरकार सारे पिंड नूं उजाड़ देवेगी। बाजां वाले पातशाह नूं इस वाकिया का पता लग्या, किसी के घर च कलेश नहीं पाउणा चाहीदा। लखमीर ते शमीर नूं दे के आशीर्वाद, चौजी पातशाह रवाना होण लगे खुशियां
दे के आ परवाना होण लगे कि सानू अगे सिख संगता अड़ीक रही हैं, असीं उहनां दीआं जाके दुख तकलीफां बनाउणियां। आओ प्यारो दीने तो चल के चोजी पातशाह जिथों जिथों दी कोट कपूरे पहुँचदे हन उहनां दे इस टूर दा सारा सारा सीन इस नगम दे विचों आप सरवण करोंगे। ते तरजां दिल खिचवीआं किस्म किस्म दे रंग ठिकरे उतरां रस परे रैण सरोते तंग दिने चिठियां सरंद चों आईयां कर दे नाराजगियां गोरां पटले नगर चों डेरे मिल के शमीर होरां नूं कोई पता ना किधर नूं जाना टपजे जलाल कोल दी मेरे कर दे बथेरी सेवा चौधरी जलाल पिंड दे डोडी वांदरी गए बरगाड़ी तल दे दपेरे नू नंदा चौधरी लड़न नू जावे बबीरन कपूरे से सचे गुराने जान तो हट क्या रात नू तमारी मेरे तू नंदे कोल वई नंदे कोल हाथ आ रहे तारे कहे लग सत गौर दे नारे उस दी लड़ाकी बाली जी नारे उस दी लड़ाकी बाली आन के पसाद करे कहे मोजनू हथियार फड़ा दे पैन लाजना ने कपड़े एक फूकती मार के काने तोर गया लड़ाई नू नंदा रह गया खेत विच बारे मार लिया कपूरे ने टाव बैबल नगर दे नेड़े तंबूला ते सात गौर ने चल संगता मिलन नू आया गुरु जी गोबिंद सिंह नू सिख सिद की गुराने परखे सिख सिद की सिख सिर की गुराने पारखे नजदीक बैवल दे गेड़ा कट के पहुंच गए भगते पुर जो पदौड़ विच नी लेगे बहुतियां गोरा तो बख्शा पुत पाई भगते दे उथो शाम नू मलू के पहुंचे अगले सवेर टलमी सोडी कौल दे सबा बर खा के कोट दी तैयारी कर ली गड़ी मंग दे कपूरे कोलो लड़ना पठाना से अनख विच गुरु वल गए प्रताप राणा से कपूरे दा चाचे दा पुत्तर चौधरी नंदा बरगाड़ी पिंड दे रहन वाला जो फरीदकोट तो बठिंडा नू सड़क जा रही है उस दे उते बरगाड़ी पिंड बहुत वड्डा पिंड है इतिहासक नगर बाजां वाले पातशाह बरगाड़ी पहुंचे ते नंदे ने बेनती कीती कपूरा बड़ा हंकारिया मैं उस नाल लड़न जा रहे हैं चौजी पातशाह ने कहता नंदिया तेरी भाई हार है तू ना जा चंगी गल नहीं ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬਸਾਦਣ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਮਨ ਮੋੜ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਪਿਆਰੋ ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲਿਆ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ मैदान च लड़न वास्ते चलिया गया दोनों बहादुर लड़े कपूरे दे हथों नंदे दी मौत हो गई उस तो अगे बैवल तीन मील पिंड है बैवल उस टिब्बी साहब जिथे गुरुद्वारा साहब बनिया बाजा वाले पातशाह उत्थे चले गए शहनशाह दे नाल कुछ सिख संगतां सी प्यारो अज तो तीन सदियां पहला जदों नहर कोई नहीं सी ट्यूबवैल कोई नहीं सी बिजली कोई नहीं सी बरानी इलाका हुंदा सी आजाड़ सी लोकां ते बड़ी गरीबी हुंदी सी सिख संगतां बैवल वालियां बाजां वाले पातशाह पास पुजियां ते चौजी पातशाह ने कहा भाई एक बंदे नूं तां बोझ चकना औखा है तुसी जिन्ने सिंह बैठे हैं
ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਸਕਦਾ ਓਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਲਿਆਓ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਠੀਕ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੌਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇਵੀ ਪਾਸ ਬੀਬੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਸਨ। ਜਾ ਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ। ਉਨੀ ਪਹਿਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਦੋ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁਣੇ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਨਾ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਸਿੱਖ ਸਿਦਕੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਖੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਹਿ ਬਲਦੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਤਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੇਲੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਲਾਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੋੜਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਉਹ ਛਾਵੇਂ ਸੁਕਾ ਲੈਣੇ ਵਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੀਲਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁਕਾ ਲੈਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਭੈਣ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪੀਲਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਡੇਲੇ ਪੇਂਜੂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਦੋ ਤੌੜੇ ਭਰੇ ਸੀ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀਲਾਂ ਭਿਉਂਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਂਜੂ ਉਹ ਡੇਲੇ ਭਿਉਂਤੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਏ ਹੱਥ ਧੁਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ। ਪਿਆਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹ ਪੀਲੂ ਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਡੇਲੇ ਭਿੱਜੇ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੈਸੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਦਾਲ ਸੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੂਣ ਤਾਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੀਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੋ ਇਸ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਜਿਸ ਘਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਸੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ? ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਖਵਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਾਰ ਉਹ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਸੂ ਆ ਗਏ, ਭਰੇ ਗਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਤਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਡੇਲੇ ਖੁਆਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਠੇ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਏਡੇ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਸਿਦਕੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਖੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਹਿ ਬਲਦੇ, ਅਤੇ ਚੋਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਲ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਢਿਲਵਾਂ ਹੈ, ਢਿਲਵੀਂ ਸੋਢੀ ਕੌਲ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵਾਧੂ ਟਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਰਾੜ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਪੂਰਿਆ
सरहंद वाला सूबा साडा पिछा कर रहा फौजा लेके, इस तरह लुकिया तो नहीं गुजारा होना। जरा किसे सहारे ना लड़ाई लड़ी जाती है। ये जिहड़ा किला है ये सानू कुछ समय वास्ते मंगमा दे दे, इहदे विच असीं सिख संगतां दीआं फौजां सिख संगतां दीआं फौजां कट्ठियां करके दुश्मन नाल दो हथ कर लीए। तो प्यारो कपूरा कहिंदा सच्चे पातशाह आप तां उजड़े फिरदे हो, आपदा किला घुआ हो, हुण मैनू भी उजाड़ना चाहुंदे हैं, मेरा किला घुआना चाहुंदे हैं। आओ प्यारो बाजां वाले पातशाह अते उस पासे कपूरे दे जो उत्तर प्रश्न हुंदे आ, इस पुराणी नज़म जो ढाडी गाउंदे हन, इस कली नज़म दे विच आप सरवण करोगे। इन्हां दोनां दे उत्तर प्रश्न इस तरह होण लगे बई। कोट कपूरे गान सज गया बाजा वाले दा, भाई कोट कपूरे द्वान सज गया बाजा वाले दा, दर्शन देवे संगता नू बह के गुर सोना, दूरों दूरों आगी खिलक तमरनी दरड़ी दी, पढ़ के शाबद खिचले भई मन नू मन मोड़ा, करदा चित मैं बूजा पटनिया जग जो बापदा, ओही थां ते बैरश मैं तार मदा बोना, ओ साफ हिरदयाल उत्ते चढ़ी जंगाल फरे बदी, बैठे तो लो जीने बैड़ा अंदर तोना, लड़न वास्ते फिर मगदे गड़ी कपूरे तो, ओथे शस्त्र रखने मगरे लगी फिर दी मेरे फौज पठाना दी, किसे थाना बेड़दा भई पलवी खड़ोना, ओ जितने किले बनगे बनगे जुत दे वास्ते, सुन सकते साडे साके वेखी भई तैं की गढ़ चोना, ओ जितने किले बनगे बनगे जुत दे वास्ते, साडे साके वेखी भई तैं की गढ़ चोना, ओ गन बाण जदों चल गए अर्जन जोधे दे, वापस फौज लेके ते मुड़ जू दरोना, कहे कपूरा गुर नू आप उजड़े आ फिर तैं तू, मैनू पट्टण आ गया की ओना दा खोना, जेड़ा दुश्मन औरंगजेब दा मैं ना दुश्मन ओदा भई कर मेल कोणा, ओ सतगुर समझ गए ए कौड़े तुम्हें तोड़दा, गल पागे माया सी वगता जा टोणा, ओ गलता शेरा नू वधाउणी कटाउणी आउंदी है आउंदी है, बाबू मुकदी करती मैं मुकसर जंग होणा, पूरा टोगे जी खत पूरा टोगे जी, में आने होगे जी खबराने टाल खड़ोगे जी, जग करना लश्कर टोगे जी, ओ सतिया लै तार जू दास बेनत संगते गज के कह लो वाहे गुरु, गुरु खालसा जी। कपूरे तो जवाब लेके चौजी पातशाह जैतो दे पास रोड़ा कपूरी कपूरा पिंड है, उथों अगे रामेयण आ जांदा है, एक रजवाहे दे किनारे ते चौजी पातशाह रामेयाणे विच दी विचरदे होए खदराणे दी टाप ते जा क्याम कीता। सो गुरु खालसा जी इस खदराने की ढाब से जिथे के माझे दे बहादुर सिंह माता भागो ते सरदार महा सिंह रटौल दी रहनुमाई थले बाजां वाले पातशाह दे हमायत करन वास्ते अपना जत्था लेके आए, वह बाजां वाले पातशाह नूं इत्थे आ मिले आते इस खदराने की ढाब से उन्होंने चौजी पातशाह दियां फौजां च शामिल होके सरहंद सूबे दियां फौजां दे छक्के छड़ाए। तीन क मिंट रहिंदे आ, एक नज़म कह के समाप्त करदे आ। बड़ा भयानक युद्ध होया जिस वेले मुगलियां ने घेर लिया आनंदपुर, मार ललकारे खान चढ़ गए छत्तण नूं लैके ते बदावा करे पहुंच गए सी सिंह सारे,
औरतां लड़न करो छड जो वतन नू माता पागो सने सिंह माझे दे कचाली होने माल विच आ गए नंग हरी के पतण नू ते पीर बनी वेले दे मदद गुरु साहब ताई टुटी सिखी जुड़े बाबू कर दे जतन नू रामियाण पूछ जदो करता सतगुरा ने इन्ने फौज पहुंच गई वजीद खान नवाब दी टिब्बी साहब कोले सिंह मोर्चे पट्टन लगे पहन ले हथियार कोट खदराने ढाब दी माता पागो सने सिंह माझे दे चचाली होने कर दे विचाले हो मदद गुरु साहब दी जंग मुख सरदा बना दे सारा रीज ला के रज बली चंगो ठुक बज जे किताब दी। बड़ा भयानक युद्ध होया गुरु खालसा जी आ नजम कह के समाप्त करते हैं। जदों चोजी पातशाह दे बहादुर सिंघां ने माझे वाले उन्हां सूरबीर कौमी परवानिया ने खदराणी ढाब का कब्जा दुश्मन की फौज नूं ना दिता गर्मिया के दिनों च विसाख दे च यह भयानक लड़ाई हुई है। लड़ाई हमेशा पानी के सहारे लड़ी जाती है। गुरु खालसा जी दुश्मन की फौज प्यासी वापस मुड़ना पिया तो आओ तवजो ना तकना जदों ये मैदान शांत होया चोजी पातशाह टिब्बी साहब ते बैठे है पर महासिंह जख्मी पिया चोजी पातशाह नूं श्वास श्वास याद कर रहा है कि सच्चे पातशाह ये मेरी जिंदगी का दीवा बुझ रहा है मेरी ये सिक है मेरी ये तमन्ना मेरी ये भावना मेरी इच्छा कि मेरा जड़ा शरीर है मेरी जड़ी रूह है वह थोड़े दर्शन कीत्या वांझी जे चली गई पता नहीं फिर अज दे विछड़े किस जन्म च मिलीए जां ना मिलीए। चोजी पातशाह जे तू अंतरजामी है तो मैनू तेरे दीदार होने चाहिए है तेरा जमाल होना चाहिए। कहिंदे ने राह दिलां दा दिलां दी दिलां नू पीड़ पई लाडले भगत नू सख्त पीड़ पई। टिब्बी साहबों चोजी पातशाह होए घोड़े ते सवार मुक्तसर साहब अते टिब्बी साहब दा कोई डेढ़ मील दा फासला है उथों चोजी पातशाह लाशां दे विच दी महासिंह दी लाश नू लभदे फिरदे है। जे किसी बहादुर सिंह दी छाती च चार जख्म होए है ते चोजी पातशाह ने कहा मेरा चार हजारी है जिसकी छाती से पांच जख्म वेदे है यह मेरा पांच हजारी है दस हजारी है भी हजारी है चाली हजारी है। आखिर महासिंह की लाश को पहुंचते हैं महासिंह सह कर चोजी पातशाह जदों प्राणा तो प्यारे साहबजाद्या छोटिया दुध दंदियों की मौत सुनी तो चोजी पातशाह के अखा चा सुनी आए जदों चमकौर के मैदान च वे साहबजादे अखा के सामने तूंबा तूंबा हुए दुश्मन न लड़ते चोजी पातशाह ने शुक्र मनाया कि अकाल पुरख अरदास कीती सी तेरी अमानत तेरे पास पहुंचाती है मैं सुरखरू हो गया पर प्यारो ने प्रेम दे अगे नेम नहीं रहिंदा। अज महासिंह दी थले जमीन ते बैठ के अपने पवित्र हत्थां नाल उहदा सिर चाके अपने रखिया पट ते बोझे चो कढ़िया रुमाल अखां कीतियां साफ जदों महासिंह नूं आई निगास अखां पट्टियां चोजी पातशाह दी नौराने चेहरे दा पिया चमकारा तो थथलांदी जवान ना कहण लगा चोजी पातशाह तुसीं बड़े मेहरबान हो हुणे ही थोनू याद कीता सी तुसी हुणे आ गए। महासिंह दे अते उस पासे चोजी पातशाह दे उत्तर प्रश्न होए आओ प्यारो तवजो ना तकना आही नजम कह के समाप्त करांगे कल दे दीवान किस तो अगे चलांगे तवजो ना सरवण करो। गुरु वेख दे फिर नरण भूमका गुरु देख दे फिर नरण भूमका कई सिंह बहादुर नाल सिंह सी पिया जमीन ते लई रख सराने टाल तीर नंग गे मास नू चीर के केस भिज गे रत दे नाल तेदा चूस लिया खून शरीर दा शरीर दा चूस लिया खून शरीर दा होया पिया वजूद फुल लाल पै गया लम्मिया तान के मारे खड़ा आवाजा काल हारी उड गई मुख दी रोशनी होगी बुझण नू त्यार मसाल ओ अन्ने कलगी वाले पहुंच गए अन्ने कलगी वाले पहुंच गए बैठ पुछ दे हाल हवाल सारी चाड़ती गर्द शरीर दी भई सारी चाड़ती गर्द शरीर दी चट जेब चो कड़ रुमाल जवान देख
ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅੱਖੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਬੈਜਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅੱਖੀਆਂ ਪੱਟ ਕੇ ਗੁਰਦਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕਰੇ ਜਮਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਰੋਵੇ ਨੈਣੋ ਨੀਰੇ ਸ਼ਾਲ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦੇ ਮਹਾਂਸਿੰਘ ਕਹੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਮਹਾਂਸਿੰਘ ਕਹੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੜ ਨੂੰ ਖਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਖਾਈਏ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਠਾ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਬਾਪੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇੜੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗੀ 42 ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰੇ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਜੀ ਕੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਤਕੜੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਇਹ ਕੌਮ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੌਮ ਕਣ ਵਾਂਗ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਫਾਸੀਆਂ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਾਣੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ ਮਾਰਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਥੋਥੋ ਕੋਈ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਖਿਮਾ ਚਾਹਵਾਂਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਰਨੇ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਔਰ ਚੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਨਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜੀ ਦੇ ਵੇਖ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਡੰਡਾਉਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਾਥ ਡੋਲਨ ਤੇਰਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਨਾਥ ਦਿਆ ਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਯੁਗ ਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੀ ਹਜ਼ਾਰ ਜੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲੀ ਦਰ ਤੇ ਆਖੜੀ ਹੋ ਕਰ ਸਕਤ ਅਧੀਨਾ ਵਿਦਿਆ ਸ਼ੈਰੀ ਸੁਰ ਮਿੱਠੀ ਬਖਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੁਣ ਤੀਨਾ ਹਾਂਜ ਸੌ ਸਪਾਰ ਨਾਮ ਚਰੰਗ ਲਾਜ ਹਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਵੇਲ ਸੀ ਸਮੈ ਨਵਾ ਕਰ ਸਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਫੇਰ ਜੀ ਦੀ ਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ ਸੁਰਗ ਮਿਲਣ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਗ ਤੋ ਹਨ ਸਜੋ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸਤਾਦ ਬਾਬੂ ਜੀ ਖਲਾਰ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਗ ਲੈਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨਤ ਸਾਧ ਵਿਦਿਆ ਤੋਹੀਣ ਪਾਰ ਕੰਮ ਲੈ ਯਕੀਨ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾਵਤਾ ਦਰਿਆ ਚ ਬੇਰੀ ਤਾਰਲੀ ਗਣਾ ਦੇ ਪਾਰਖ ਨਾ ਦਗਦ ਦੀ ਖਬਰ ਕੋਈ ਕਾਵਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵਿਚਾਰਲੀ ਫਾਰ ਆਦ ਵਾਂਗ ਲਾਲ ਟੱਕਰ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰੋ ਸਿਕੰਦਰੀ ਤਦੇ ਸਾਰਲੀ ਰੋਲ ਦੂਦਲੀ ਪਪੈਂਚ ਜਥੇ ਦਾ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ ਦਾ
ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਲ ਕਰਨਾ ਦਲੀਲ ਤਾਰ ਲਈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਜਾੜ ਪੱਟ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦੇ ਖਿਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਦੇ ਕੰਠ ਸੁਰ ਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਪਿੰਗੇਲ ਜੋਤ ਜਗਣ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਗਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਵੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ ਦੇ ਤਨਾਂ ਦਾ ਲੋਭ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਦਵਾਇਤ ਕਾਲੀ ਨਾਗਣ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਬੂ ਜੀ ਰਾਗ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਰਾਗ ਜਲਣ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਜਰਾ ਠੱਲਣ ਦੇ ਸੁਣੋ ਸਰੋਤਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਬੇਅੰਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੌਤਕ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਹਿੰਦ ਰੁੜਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇ ਲਾਈ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਕਲੰਗੀ ਧਰ ਦਸ ਲੇਸ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁਰਵਾਰ ਲਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਰੁੜਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਲਿਖਣ ਅਜਮ ਮਨਾ ਕੇ ਕਾਦਰ ਪਿਤਾ ਸੂਰਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲੈ ਜਨਮ ਉਤਾਰਾਂ ਪਟਣੇ ਆਏ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਣ ਮਾਤ ਲੋਕ ਜਸ ਖੱਟਣੇ ਮਸਤਕ ਫੁੱਲੀਆਂ ਸਰਮਾ ਲੱਕ ਪਤਲਾ ਸੀਨਾ ਪਰਮਾ ਗੋਲੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਖ ਚੰਦ ਚਮਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਹਿੰਦ ਰੁੜਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇ ਲਾਈ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਨੇਕ ਪਾਰੇ ਅਪਕਾਰੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇਕ ਪਾਰੇ ਅਪਕਾਰੀ ਬੀਬਾ ਡਲੀ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਗੀ ਜੀਬਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲੈ ਲੈ ਜਨਮ ਗਰੀਬਾ ਦਿਲ ਮੋਲਿਆ ਦਿਲ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨੇ ਕਰ ਕਰ ਹਮਰੇ ਤਨ ਥਾਵਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਟਾਉਣਾ ਧਰਮੀ ਨੇੋਡੀ ਕਿਨੇ ਕਰਨੀ ਸਖਾਵਤ ਓਡੀ ਲੰਮੀ ਘਰ ਜਨ ਤੇ ਸਿਓ ਠੋਡੀ ਸੋਹਣੇ ਸੁਰਖ ਸੁਰਖ ਰੁਖ ਸਾਰੇ ਸੀ ਤੀਰ ਕਮਾਣਾ ਨੀਲਾ ਕੋਤਲ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਕਿਤੇ ਲੜਨ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚੜਿਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸੀ ਰਹੇ ਬਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੱਥ ਤੇ ਜੀ ਤਾਈਓ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਮੀ ਫੱਬਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣ ਬਣ ਉੱਠਦੇ ਪਬਲੇ ਹੀਰੇ ਦਮਕਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਦੇ ਲਾਖ ਸ਼ਬੂ ਕੇਸ ਸਵਾਰੇ ਸੀ ਹਿੰਦ ਰੁੜਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇ ਲਾਈ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਲਗੇ ਮੇਗ ਧਰਮ ਦੇ ਬਰਸਣਾ ਆਉਣ ਕਰਨ ਚ ਫੇਰਿਓ ਦਰਸ਼ਨ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਸੁਣਾ ਕੇ ਪਰਸ਼ਨ ਦੰਦ ਸੋਹਣੇ ਕਲੀਆਂ ਖਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੇ ਛਕਾ ਕੇ ਖੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਾਜ ਬਣਾ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਰਣ ਪਾਉਂਦੇ ਗੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਣ ਪਾਉਂਦੇ ਗੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰ ਖਾ ਗਈਆਂ ਬਾਈ ਤਾਰਾਂ ਗਈਆਂ ਭੰਗਣੀ ਖੜਕ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਰੀ ਜਣ ਵਾਂਗ ਖਲਾਰੇ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇ ਲਾਈ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿਲਾ ਵਾਂਗ ਚਤੌੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚੜਾ ਲਿਆ ਗੜ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸਤਗੁਰ ਨੂੰ ਪਾ ਜੱਫੀਆਂ ਪਰਬਤਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਕਰ ਪਰ ਨਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਕਣੀਆਂ ਤੇ ਮਾਘ ਮਹੀਨਾ ਤੀਜੇ ਪੰਥ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਗੀਨਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਰ ਸੀਨਾ ਸੁਣ ਛੱਡ ਗਏ ਮਹਿਲ ਚ ਬਾਰੇ ਸੀ
हिंद रोड़ दी जलम समुंदर ने लाई दसमे गुरु किनारे सी। एक बुढ़ा ब्रह्मण सोते जी, एक बुढ़ा ब्रह्मण सोते, माता गुजरी तेने कड़े पोते, तन खचरी ते लद खड़ोते, वेच चल पे पैंदी ठारी दे, एक शीणी नरम बगेरे दो, तके चढ़न वजी दशकारी दे। ओ ही डर डर जेरिया दगे बाज महाना भेड़ी दा, गंगा राम परो हो तो खेड़ी दा, खेड़ी ले गया ला कर लारे सी। हिल रोड़ दी जलम समंदर में लाई दसमे गुरु किनारे सी। शावा नीले दया सवारा चमकौर करया जंग पारा, चढ़ पेट अजीत जुझारा, गल सिरे चढ़ाती हिंडिया ते, परवार मरा के मुगला तो आजाद करा लिया इंडिया ते। मच्छी वारे आके गनी नवी का पला रख खा के, कदे उच दे पीर बना के, गुर हेरा तरफ सुधारे सी। हिंद रोड़ दी जलम समंदर में लाई दसमे गुरु किनारे सी। दिन रहे महीना पूरा जी, दिन रहे महीना पूरा, लड़े गुरु गोबिंद सिंह सूरा, गड़ी देव नर ते कपूरा, थरे जा खदराने जुगतिया, अब मुकती दा सर कहिंदे जी, सिख ना कर पाउंदे मुकतिया। माजल टूटी गंडी फिर पहुंच गए तलवंडी, बाबू दे जान सिख वंडी, माया तकन नदी से दलारे सी। हिंद रोड़ दी जुलम समंदर में लाई दस में गुरु किनारे सी। सत्कार योग शहनशाह दे चरणा च सजी हुई गुरु दी साजी निवाजी साध संगत जीओ, बाजां वाले पातशाह दा आनंदपुर तो लेके दमदमा साहब तक उन्हां दा टूर, उन्हां दी यात्रा, मोटे मोटे थाई जो उन्हां ने कौतुक कीते, लड़ाइयां लड़ियां, उहदा वर्णन आपने इस कविता चो सरवण कीता। कल दे दीवान च माझे वाले बहादुर योधिया ने मुक्तसर की लड़ाई दे विच जित प्राप्त करनी, शहीदी जाम पीने अते ओ बेदावे का कागज पड़वाना शहनशाह तो, यह आपने कहानी सरवण कीती सी, ए इतिहास का हिस्सा सरवण कीता सी। इस कविता च सिरे वाली लाइन आई है, तुक आई है, पंक्ति आई है कि बाजां वाले पातशाह जदों तलवंडी पहुंचे, सिखी माझे दी टुटी गंडी फिर पहुंच गए तलवंडी, बाबू देग जान सिख वंडी, माइया तकने ना दिसे दुलारे सी, हिंद रुड़ दी जुलम समुंदर में लाई दसवें गुरु किनारे सी। दमदमा साहब का इतिहास सरबंसदानी बापू ने जो सिख कौम दे प्रथाए, खालसा पंथ दे प्रथाए अपने महिला नाल बचन बलास किते, थोड़े सामने बखेरन लगे हाँ। जिस तरह चमकौर दे मैदान विच पंजा प्यारियां चों या अपने पूर्ण गुरसिखां चों भाई संघ सिंह दी शहीदी ते मुगलों दे हौसले बुलंद हो गए सन कि असी गुरु गोबिंद सिंह नूं शहीद कर दिता है, पर जदों दीने तो फिर औरंगजेब सम्राट नूं बाजां वाले पातशाह ने जफरनामा लिख के भेजिया, फिर पता लग्या कि सच्चे पातशाह तां जीवित हन। फिर मुक्तसर की लड़ाई होई, उस मुक्तसर के भयानक जंग विच फिर मुगलां वन्नों एक बार खबर फैलाई गई कि बाजां वाले पातशाह नूं खुदराणे की ढाब की लड़ाई विच शहीद किया गया, तो सिख जगत एक बारी फिर अफसोसी छा गई सिख जगत ते। माता सुंदरी माता साहिब देवां दिल्ली बैठिया हैं, पंजाब तो गुरसिख दिल्ली आया अते भाई मनी सिंह जी नूं चौंक चांदनी बाजार मिल गए, एक दूसरे नाल बगलगीर होए, जफियां पा के मिले, इन्ना प्यार सी गुरसिखां च, इन्ना मोह सी। गुरु खालसा जी तुरके लोग सफर करते सी, अज तां दिल्ली रोज़ मेला लग्या रहिंदा है, अज तां तुसी धरती दे दूसरे पासे वसदे हो, अनेक भारती रोज़ इत्थे आउंदे आ, इत्थों रोज़ भारत च जांदे है, हुण दी कुछ वक्खरी गल है।
उदो लोग पैदल तुर के दिल्ली पहुंचिया। एक गुरसिख अज की तरह लोगों च तड़फ सी के पंजाब की हालत पुछिए। भाई मनी सिंह जून पंजाब तो आया, वह एलची मिलिया, उसने पंजाब की व्याख्या पुछी, उन्हें सारा हालत दसिया। जदों बाजां वाले पातशाह का जिक्र आया कि बठिंडे के इलाके चौधरी डल्ले बराड़ के पास साबो की तलवंडी बाजां वाले सरबंसदानी गुरु जीवित है, उत्थे तशरीफ रख रहे हैं, तो सच जाण्यो बाबा मनी सिंह जी की कोई खुशी की हद ना रही। वह खुशी खुशी ये खुशियां का सुनेहा लेके भाई जवाहर सिंह दे करे पहुंचिया। माता सुंदरी ते साहब देवां नूं ये खुशियां भरिया सुनेहा दिता। आओ साडा अज दे इतिहास की कड़ी शुरू इत्थों हुंदी है कि बाबा मनी सिंह जी तो बाजां वाले पातशाह दे महलां माता सुंदरी जी माता साहब देवां नूं उहनां दे परिवार बारे सुनेहा इस तरह देण लगे। रोड़े जात जवार सौसदे घर विच रहण गुर तलवंडे पहुंच गए। आण मनी सिंह कहण हाजी सिख सुन चौंक चांदनी चो गल जी जा सुनाउंदा महिला नूं गुरु जे बठिंडे दे इलाके वल जी चढ़े करन सैला नूं चढ़े सटरी मसी परी गए चंडी नो बथेरा तंग गए गुरु का शरीफ लै गए तलवंडी नूं अगे बठिंडो लंघ गए। हां भई लग जांदी अगन बुझे न तां नदी जदों कहानी छेड़ी दी।